अगर दिख रहा हो तो सामने देखो, क्या बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं यार। अंधेरे में भी साफ दिख रही है बर्फ। मजा आ गया। ओ मोड़ना है। यहाँ पे फिर से झरने हैं बढ़िया वाले। बाप रे, अब तो हाथ दर्द करने लगे हैं यार। एक्सलेटर दे दे के। ओ हो। ऊपर से रास्ता इतना बढ़िया हो रहा है, क्या ही कहें। रोड का भी आइडिया नहीं आ रहा कहाँ को है। बाप रे, ठंडा लग रहा है यार अब। ओके, तो टाइम हो रहा है अभी 6:30 और चले हुए हैं हम लोग। अंधेरा देखो गप हो चुका है। अंधेरा तो खैर बहुत पहले हो गया था। ओ भाई, ये तो खड़ा चढ़ा ही है। अरे यार, जूता लग गया मेरा नीचे। ओ, आगे गेट बंद कर रखा है, तो देखते हैं क्या सीन है। ओहो, एक तो ठंडे से हालत ख़राब और रोड ऐसी हो रही है। कब पहुंचेंगे हम गुंजी? ओहो, ओके, तो ये जो सामने लाइटें दिख रही है, ये पहुंच गए हम गुंजी। हो, टाइम हो रहा है 8:15। मुझे हो रही है बस जल्दी से पहुँचे, एक चाय मिले और मैं बिस्तर में घुस जाऊँ। वैसे खाना भी खाना ही पड़ेगा। ऑलराइट, तो आज डेट है 29 अक्टूबर और अभी हम लोग हैं गुंजी में। तो देखते हैं अभी क्या प्रोग्राम रहता है। ये लोग ओम पर्वत या आदि कैलाश को जाने को बोल रहे हैं, तो देखते हैं अभी क्या होता है। फिलहाल अभी हम हैं गुंजी में और यहाँ से नज़ारा कुछ इस तरह का है। तो ये देखो, यहाँ कल शाम हमारा रुकने का, खाने का सब जुगाड़ यहाँ था। और वो देखो, वहाँ पे अभी नाश्ता पानी वगैरह चल रहा है।
तो कल हम लोग इसके यहाँ आए थे, तो यहाँ पे आने के बाद जो है खाना वाना बन रहा था, रहने का भी ऐसा कुछ खास इंतज़ाम नहीं था, मतलब बिस्तर उस्तर में ज़रा उतना अच्छा लग नहीं रहा था, तो हम चले गए थे रात को ऊपर होटल में और वहीं पे हमने अपना स्टे और खाना वगैरह किया। फिलहाल हम नाश्ते के लिए जा रहे हैं नीचे। यहाँ उतरेगा यहाँ तो नहीं दिखेगा, वो वहां से दिखता ऊपर से, वो आगे से दिखता वहां से सारा बढ़िया। बस गायब। चलो जी हम लोग बढ़ गए हैं ओम पर्वत के लिए। क्या बात है, ये देखो साइड के पहाड़, ऊपर पूरा जंगल है, नीचे कटा हुआ है पूरा। तो आज पहली बार हम चिया लेक से आगे आए हैं और गुंजी से आगे बढ़ रहे हैं अपनी खुद की बाइकों से। यहाँ तो खड़े होके चलाने का मज़ा आ रहा है। अभी सही है ना, मेरे पास टैंक बैग वगैरह बॉक्स वगैरह कुछ नहीं है, खाली गाड़ी लेके चल रहे हैं। अभी हम ओम पर्वत की तरफ जा तो रहे हैं पर कुछ गारंटी नहीं है कि वहाँ पे ओम वाला वो दिखेगा या नहीं दिखेगा। वैसे तो मौसम क्लियर है तो उस हिसाब से तो दिख जाना चाहिए। वो सामने दिख रहा है ओम पर्वत। इस स्टोरी की अगर मैं लोगों से 10 लाख रुपए ले लूं वो भी काम है। ये देखो यहाँ पे ये ओम बना हुआ दिख रहा है। एक्चुअली इस पे बर्फ ज्यादा पड़ी हुई है, नहीं तो वरना ये सिर्फ ओम ओम के ऊपर गिरा हुआ बड़ा साफ दिखता है। ओके, तो बस हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे और ओम पर्वत देख ही लिया है, वो पूरा ढका हुआ है, प्लस आसपास भी बर्फ़ गिरी है हल्का, लेकिन शेप दिख रहा है उसका। इसके अलावा देखो यहाँ पे एक 7th ITBP का बर्फ़ से बना हुआ दिख रहा है। बाकी इससे आगे को ये रोड जाती है काला पानी और पता नहीं कहाँ कहाँ। फिलहाल हम लोग यहीं तक आए थे और यहीं से अभी हमें वापस होना पड़ेगा। वैसे भी रास्ते में आगे बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरी हुई है तो मेरे ख्याल से आगे जाने का वैसे भी नहीं रहेगा। और हमारी परमिशन वैसे भी यहीं नाभिढांग तक थी, इसके जस्ट आगे ही है नाभिढांग की पोस्ट, बाकी ओम पर्वत यहाँ पे से दिखता है तो हम यहीं पे रुके। ऑलराइट, तो थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न हो गई थी, एक्चुअली काला पानी ना नीचे रह गया, हम काला पानी होते हुए आए थे, ये रास्ता आगे कैलाश मानसरोवर तकलाकोट और पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है, काला पानी नीचे रह गया है, वो काला पानी हम क्रॉस करके आए थे। तो अभी फ़िलहाल बस हम यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं अब आगे को, नीचे को।
वापस। ओके जी, तो ये हम लोग ओम पर्वत से आ गए हैं नीचे को, ओम पर्वत या काला पानी से नीचे को आ गए हैं। परमिशन लेटर है और आधार कार्ड वगैरह है, ये सब हुआ था काला पानी पे चेक, मुझे पता नहीं था वो काला पानी है करके। तो वहीं पे हमारे कैमरे उतरवा दिए थे, तो उसके बाद हमने नहीं लगाए, फिर उसके बाद हमने ये वापस नीचे को आने के बाद लगाए हैं। हाँ, जो आदि कैलाश को रोज जाता है ना, हाँ वो जाता है ये वाला। अच्छा, ऊपर वाला। ओके, और ये नीचे से अपना धारचूला। हाँ, नीचे ओम पर्वत। हाँ, ये कितना है यहाँ से आदि कैलाश? यहाँ से है 35 किलोमीटर मान के चलो। ओके, लेकिन रोड ये बहुत ज़्यादा ख़त्म है ना, बहुत ख़राब है, बहुत हद से ज़्यादा। तो ऐसा अगली बार करते हैं फिर, मतलब आगे के लिए भी कुछ। हाँ, आगे के लिए भी कुछ रहना चाहिए, तभी तो दोबारा आएंगे। चलिए फिर।